हेलो फ्रेंड्स, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसे कि उसे इम्पोर्टेंट नोटिस आ गया है। और ये जो नोटिस है वह है स्नातक ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्जाम को लेकर के है, तो जिसमें आप लोग सचिवालय वाला जो फॉर्म भर रहे थे उसी को लेकर के है यह। तो इसको क्या है सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट जो है वह 14/2/2022 का है। आप यहाँ पर आगे की सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ, तो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो का अपडेट्स नोटिफिकेशन भी आप लोगों को बताए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे है परीक्षा 2021 के लिए जो ऑनलाइन मंगाया जाता है वह 15 जनवरी से लेकर के आप 14 फरवरी तक के मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। ये है तो यहाँ पे माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का रिट संख्या जो दिया गया ये आप देख सकते हैं, मनोज कुमार VS द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ में 11/2/2022 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में ऑनलाइन आवेदन की तिथि निम्नवत संशोधित की जा रही है। तो यहाँ पर जो है डेट उस डेट को अब यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है 21/2/2022 यानी कि 21 फरवरी तक आप लोगों को ऑनलाइन भर सकते हैं। फिर परीक्षा शुल्क जो है वो आप 23 तारीख तक भर सकते हैं 23 फरवरी तक। और फोटो हस्ताक्षर अपलोड की जो तिथि है वो 25 फरवरी तक का कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना है तो आप उसको 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक में ऑनलाइन को संशोधन कर सकते हैं। मतलब उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ गलती हो गया तो उसको आप सुधार सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है डेट्स आप लोगों का वो बढ़ा दिया गया है। तो आप लोग जो है 21 तारीख से लेकर के अब 28 फरवरी तक ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही है आप लोगों के लिए नया और इम्पोर्टेंट नोटिस, जो कि जो डेट था वो डेट को अब बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय में सारा चीज़ होने के बाद में, वहाँ पे आदेश जारी होने के बाद में ये सब सारा चीज़ किया गया है। तो यही है आप लोग जो न्यू और इम्पोर्टेंट नोटिस है, जो कि सचिवालय वाले जो फॉर्म भर रहे थे वो कैंडिडेट्स अब 28 तारीख तक में सारा चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हस्ताक्षर परीक्षा नियंत्रक को भी आप लोग देख सकते हैं। अब अच्छे से एग्ज़ाम तैयारी करने के लिए और थोड़ा सा टाइम मिल गया है, जो भी फॉर्म नहीं भरे थे जितने भी कैंडिडेट्स वो भी अब फॉर्म को भर सकते हैं। तो यही नोटिस है, तो आप लोगों को पूरा ध्यान रखना है। जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है।